ठीक है, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा जो भी कुछ चीजें हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता देना। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपसे थोड़ा सा पूछेगा तो प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएट, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज does not depend on does not depend on path. ये सब चीजें ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक मतलब है कि आप एक पूरा सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, उसी तरह आप लोग क्या है कि प्रेशर टेम्परेचर ये सब चीजें पता है। प्रॉपर्टीज के एग्जांपल में हम सारी चीजें देखेंगे। प्रॉपर्टीज जो दो प्रकार की हैं, पहले देखते हैं इंटेंसिव है ना, और दूसरा क्या है एक्सटेंसिव। जैसे कि एक्सटेंसिव में इंटेंसिव में जैसे कि प्रेशर है एंड पी को प्रेशर एंड डेंसिटी, ये सारे चीजें किसने हैं एक्सटेंसिव में जितनी एनर्जीज हैं ना, एनर्जी है, वॉल्यूम है और भी, और जैसे कि एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, बोल सकते हैं जितनी भी। और लेकिन यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक जितनी भी स्पेसिफिक है वह इसमें आएगी इंटेंसिव है जो कि डिपेंड ऑन मास। देखो अब आवाज क्लियर आ रही है, अभी देखो अभी आवाज क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, तो याद रखिए सब पॉइंट क्या है, क्वेश्चन बन के आते हैं आपके लिए, है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पॉइंट फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि देखो प्रॉपर्टीज कहाँ, जैसे पीवी डायग्राम में ले लूं, एक गया वन से लेके टू तक, ठीक है। ये क्या है, वन से टू क्या है, वन क्या है एक स्टेट है, स्टेट टू क्या है एक स्टेट, वन से टू क्या है एक प्रोसेस है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो वन से टू एक प्रोसेस है, ठीक है। वन वन की क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि पी वन वी वन जो भी प्रॉपर्टीज हैं, पी वन वी वन टी वन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसी टू की क्या होंगी, प्रॉपर्टी होंगी पी वन वी टू पी टू वी टू टी टू, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं स्टेट वन की प्रॉपर्टी और स्टेट टू की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट वन पे ही डिपेंड कर रहा है। इसकी कुछ अलग स्पेसिफिक कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी।
ठीक है, इसकी भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी होंगी, पॉइंट वन पे कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, पॉइंट टू पे कुछ अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग इस जगह के एकदम डिफाइंड है प्रॉपर्टी की, इस जगह का प्रेशर P1 रहेगा, इस जगह का वॉल्यूम V1 रहेगा, इस जगह का टेम्परेचर T1 रहेगा, और टू पॉइंट पे इस जगह का प्रेशर P2, V2 वॉल्यूम, T2 टेम्परेचर, ये फिक्स है, इसीलिए ये डिपेंड करता है पॉइंट पे। ठीक है, अगर अगर मैं बोलूं कि वापस से, अगर वापस से ये मुड़ के दूसरा प्रोसेस यहां आ गया, ठीक है, तो ये लिख लेना एक पॉइंट और कि If initial and final point are same, then the change in properties is zero. ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, ये तो एक साइकिल हो गया, जब साइकिल, साइकिल के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट एक साइकिल है, जैसे यहां गया फिर टू से वापस वन में आया, तो एक साइकिल है, तो साइकिल में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम होते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम कहां होते हैं, साइकिल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम किसके लिए होते हैं, साइकिल के लिए, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे, अलग अलग कौन कौन सा साइकिल है, जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल, आईसी इंजन में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमेशा सेम होते हैं साइकिल के कंडीशन में, तो साइकिल के कंडीशन में बोल सकते हैं कि चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा जीरो हो, यानी बोलेंगे फॉर साइकिल, ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टी जो होगी वह जीरो के बराबर होगी। ठीक है, इसको सबको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ पॉइंट पे, पाथ से कोई मतलब नहीं है इसको, जिस पॉइंट पे अलग अलग, इस पॉइंट का प्रॉपर्टी अलग, इस पॉइंट का प्रॉपर्टी अलग। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यहीं पे आपका एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ये। ठीक है, चाहे मैं यहां से ले जाऊं, चाहे कहीं से भी ले जाऊं, चाहे यहां से ले जाऊं, प्रॉपर्टी यहां कोई चेंज नहीं आ रहा है, वन की प्रॉपर्टी वन ही रहेगी, टू की टू रहेगी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इस पॉइंट पे, इस जगह पे टू है तो वहां की प्रॉपर्टी वही आएगी, P2, V2 और T2। ठीक है, तो उसको पाथ पे कोई मतलब नहीं है, और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, क्योंकि मैंने बताया है कि ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पे है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पाएंगे हम, बाकी सब चीजें जो है यहाँ पे लिखा है, साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी जीरो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज क्लियर है ना, लाइव क्लास में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, इसका एक फायदा ये हो जाएगा आप लोग को, तो लाइव करने की कोशिश करिए आप लोग, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए मैं हटा रहा हूं, हटाता हूं उसको, जल्दी से ना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो प्रोसेस के बारे में अब कुछ मैं बता देता हूं, अब देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ आइसो थर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसो थर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसो थर्मल क्या होता है, आइसो थर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसो थर्मल प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बताया हुआ है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर दोनों साइड डिफरेंट। अब पहली बात तो आप ये देख लो कि मैं क्या कहा कि इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है वन से लेके टू तक,
ठीक है, कल का अगर क्लास अच्छे से देखे हो तो क्लियर रहेगा। ठीक है, वन से लेके टू तक इस तरीके का डायग्राम बनता है पीवी डायग्राम में। ठीक है, पीवी डायग्राम में अब यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, स्लोप क्या होता है, ये बाय ये क्या होता है, डीपी बाय डीवी। अब जैसे कि अगर स्लोप क्या होता है, देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज मैथ से पढ़े हम लोग डीवाई बाय डीएक्स, स्लोप क्या होता है, डीवाई बाय डीएक्स होता है। ठीक है, तो यहां के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, डीपी बाय डीवी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई कर्व जाता है, मान लेते हैं कि ये इस तरीके का कर्व गया है, ठीक है, डीवाई बाय डीएक्स में, तो ये जो होता है, ये टेंजेंट, टेंजेंट जो बनाता है, ये क्या है हमारा, टेंजेंट है, जो किसी कर्व का टेंजेंट है। जैसे ये कर्व है, उसका टेंजेंट ये हो गया, ठीक है, इस कर्व का टेंजेंट ये है। अब ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक, जिस जगह का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मतलब टेंजेंट में किसी जगह पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये क्या है मेरा, आज मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं स्लोप कैसे निकालते, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जिस जगह पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां से क्या लगा लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो बनेगा एंगल थीटा, ठीक है, थीटा, और ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो थीटा होती है, थीटा इज एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल है, ठीक, तो थीटा, तो जो ये थीटा है एक्चुअली में, तो यहां पे आप देखना कि अगर मैं छोटा सा हिस्सा ले लूं, इस कर्व का छोटा सा हिस्सा ले लूं ये, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये तो बड़ा एक्सिस है एक्स है, ये वाला डीएक्स होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, डीवाई, छोटा हिस्सा मतलब ये स्मॉल वाई, एक छोटा सा हिस्सा और एक छोटा सा एक्स, डीवाई बाई डीएक्स, तो डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है, स्लोप हो गया, यही स्लोप है, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डीएक्स इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा ही क्या है, स्लोप है, जो कि किसके बराबर है, डीवाई बाई डीएक्स के बराबर, ठीक है। अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा, अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थीटा ऑब्ट्यूस, अगर थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस यानी एक्यूट का मतलब क्या है, कि थीटा लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस का मतलब है नेगेटिव हो जाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कब, जब थीटा 90 डिग्री से कम रहेगा, और ऑब्ट्यूस कब रहेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये अलग से आपको नॉलेज दे दिया मैं, ठीक है, मैथमेटिकल वाली चीजें हैं, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, आप समझ में आ जाएगा, यहाँ का टेंजेंट क्या है, इसका स्लोप क्या है, देखो अब तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस में आ गए, अब तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देखेंगे कि यहाँ ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका कर्व ऐसा बनता है, तो इसका टेंजेंट कैसा बनेगा, इसका टेंजेंट बनाओगी, ये बन गया टेंजेंट, ठीक है, जिस जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसमें हम देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है, इतना बड़ा थीटा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप जो है हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा, श्योर शॉट, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला थीटा ले रहे, अगर छोट इधर आया नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ, तो थीटा हमेशा स्लोप नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, डीपी बाय डीवी हो जाएगा, है ना, डीपी बाय डीवी। चलिए अब मैं आगे यहाँ पे देखते हैं कि पीवी, अब आइसोथर्मल में पीवी बाय सी हो, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो चलिए मैं इसको दिखा रहा हूं, इधर इधर के पोर्शन में, चलिए उसको नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपने को यही समझना है, ठीक है, उसको अगर करना है तो कर लो, ये जीवन में हर पल कोई भी एग्जाम में स्लोप नाम का चीज आएगा तो वहां ये क्लियर रहेगा कि यहाँ स्लोप क्या होता है।
श्लोक मतलब कितना झुकाव, कितना आपका, कितना वो झुकाव है आपका एक्स एक्सिस की तरफ। श्लोक का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कितना झुकाव है कर्व का, यही बोलता है। ठीक है, श्लोक, श्लोक का मायने क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखना आएगा, आप लोग क्लियर समझ में आएगा कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए मैं इधर वाला हटा रहा हूं, इसको लिख लिए होंगे, तो इधर से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसका श्लोक क्या निकाला, मैंने श्लोक निकाला इसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, चलो तो स्लोप हमेशा 10 थीटा ही है ना। यहाँ पे देखें PV इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, PdV प्लस PdP, याद है ना, x y का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, वही चीज है। ठीक है, इसको करते हैं dxy, याद करो है ना, वही वाला डिफरेंशिएशन करके ये आया इक्वल टू कांस्टेंट का हमेशा जीरो। मैथमेटिक्स का चीज है, मैथ्स वाली चीज है, डिफरेंशिएट करने के बाद तो क्या हो जाएगा, PdV is equal to minus VdP, तो DP by DV is equal to minus P by V, और यही है आइसोथर्मल का स्लोप। ठीक है, यही क्या है आपका स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन में स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या लिखोगे, माइनस P by V, माइनस P बटा V। ठीक है, तो ये थीटा तो ये है, तो इसलिए ये माइनस, देखो यहाँ माइनस आ गया, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है आइसोथर्मल प्रोसेस, नेगेटिव। क्यों आया नेगेटिव, बता दिया मैं, क्योंकि थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमेशा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये वाले को मैं हटा रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करिए। हाँ, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस में देखेंगे कि ये क्या होता है, PV का पावर गामा इज इक्वल टू C, ये है मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक का मतलब है, बार बार इसको आप क्लियर होना चाहिए, एडियाबेटिक का पर्सन मतलब नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, Q इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, एडियाबेटिक का मतलब PV का पावर गामा इज इक्वल टू C है ये। ठीक है, तो PV का पावर गामा इज इक्वल टू C है, तो इसका जो कर्व बनता है PV डायग्राम में, ठीक है, वह भी इस तरीके से बनता है, वन और टू। ठीक है, इसका स्लोप आता है, इसको भी उसी तरीके से नोट करते हुए डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, तो इसका डायरेक्ट मैं क्लियर लिखा रहा हूं कि इसका जो स्लोप है वो आएगा dp by dv is equal to minus of gamma p बटा v। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, तो हम यहां से एक निष्कर्ष निकालेंगे और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, सो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो है गामा गुना ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल से, क्योंकि ये गामा टाइम्स है, ये माइनस पी वाई वी है यहां, तो यहां मैं लिख सकता हूं माइनस गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, और वैसे भी दोनों का स्लोप क्या नेगेटिव आएगा, यहां भी सीधा दिख रहा है थीटा, ये भी नेगेटिव, इसलिए यहां नेगेटिव आया है।
चलिए इसको नोट करिए, नोट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लिखाते जा रहे हैं। मैक्सिमम तो थ्योरी और यहाँ पे आपका फॉर्मूला पूछेगा और फॉर्मूला बेस पे आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। वो सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे अभी धीरे धीरे, पहले हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते हैं क्या क्या है सिलेबस वाइज पूरा। हो जाएगा ना तो बता दीजिएगा, सर हो गया डन, चैट में लिख दिया करिए। हाँ सर हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं। अब चलते हैं हम लोग, अब ध्यान देते हैं सभी प्रोसेस के लिए इकट्ठा देख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि एक्सपांसन, ठीक है, एक्सपांसन प्रोसेस में क्या होता है, जनरली वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, और कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है। एक्सपांसन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और कंप्रेशन में डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि ये सिलेंडर पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर ये इस डायरेक्शन में गया तो कुछ समय के बाद ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, पहले मान लेते हैं ये x था, अब कितना आ गया, अब कितना बढ़ा ये यहां से यहां तक, x डैश आ गया, है ना। तो फाइनल फाइनल ये है, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपांसन हुआ। कंप्रेशन में, कंप्रेशन में पहले यहां था पिस्टन, ठीक है, पहले इस तरफ था, अब ये इधर खसक के यहां आ गया मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस बार क्या है कि पहले x यहां है और x डैश यहां, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि x जो फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब डेल x चेंज जो वैल्यू आएगी, है ना, चेंज इन, वो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे x डैश माइनस x जो है निगेटिव आएगा, जो कि डेल x की वैल्यू निगेटिव आएगी। मतलब चेंज इन लेंथ जो है आपका, जो भी इसमें एक्सपांसन में पॉजिटिव रहेगा, चेंज इन लेंथ कंप्रेशन में निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि अब अलग अलग प्रोसेस के लिए देखेंगे हम लोग, इकट्ठा मैं बना रहा हूं सारे प्रोसेस के लिए, ठीक है, एक्सपांसन के लिए बना रहे हैं पहले, ठीक है। एक्सपांसन के लिए ठीक है, तो ये हो गया मेरा वन प्रोसेस से लेके टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ठीक है। ये पी और वी डायग्राम, पी और वी डायग्राम, यहां पे बोलेंगे कि वन से टू प्रोसेस क्या है, ये वाला, अगर मैं प्रोसेस को ले लूं, प्रोसेस को ले लूं पी वी का पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद रखिए कि कोई भी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, अगर पी वी का पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दिख रहा है, लेट एनी प्रोसेस इज पी वी का पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Then, आपको बताना है कि वन से टू कौन सा प्रोसेस है, वन से टू कौन सा प्रोसेस है, वन से टू कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब वन से टू क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। लेकिन कैसा है, एक्सपांसन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, z
सभी प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वन से टू क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। देखो पहला लिखा रहा हूं, वन से टू जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और वन से टू वाला जो है आपका ये है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस जगह पे के की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट कब होगा, यहां पे ध्यान दो, PV का पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इफ K इज इक्वल टू 0 देन P इज इक्वल टू C होगा। जब K को 0 रखोगे तो P इज इक्वल टू C, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां 0, ठीक है। K की वैल्यू का 0 का मतलब क्या है, K क्या है, K इज द स्लोप, K इज द स्लोप ऑफ PV डायग्राम, और कुछ नहीं है ये, एक्स एक्सिस से कितना एंगल उठा 0, वही स्लोप है, dy by dx वैसे 0 हो जाएगा, है ना। देखो dp by dv tan थीटा, वहां पे ऑलरेडी थीटा आपका 0, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो यहां से हमको पता चल गया कि k is equal to 0, ठीक। ये वाला देखो, सेकेंड अब बता रहा हूं, यही पूछेगा आपको, कांस्टेंट प्रेशर में के का वैल्यू पूछ सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में के का वैल्यू पूछ सकता है, ये सब भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, वन से लेके फाइव, ठीक है, वन से लेके फाइव क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में याद रखिएगा कि के की जो वैल्यू होगी वह आएगी इंफिनिटी, ठीक है, के की वैल्यू इंफिनिटी आएगी, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, के की वैल्यू इंफिनिटी आएगी, ठीक। अब इसको थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको बताने के लिए आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस के की वैल्यू पूछेगी तो इंफिनिटी, तो यहां बोलेंगे आप ये वाला है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे k की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, ठीक है। कैसे इंफिनिटी आएगी ये भी मैं बता दे रहा हूं कि भैया ये तो ये देखो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा 90 डिग्री, इसका स्लोप कितना होगा थीटा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री स्लोप होगा, तो tan थीटा क्या होता है, tan 90 क्या होगा, इन्फिनिटी है ना, तो बस इन्फिनिटी आ रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा k इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस केस में। थर्ड वाला आपका वन से लेके थ्री तक, ये बताओ आप लोग बता सकते हो क्या है, ये क्या है, वन से थ्री तक कौन सा है, ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ